हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एशियन गेम्स की। 2018 में कहाँ हुए, ये कब से चालू हुए, ये सब कुछ जानते हैं इस लेक्चर में। ठीक, एशियन गेम्स हैं जो 1951 में न्यू दिल्ली में हुए थे फर्स्ट टाइम। इसमें जापान टॉप पर रहा था और इस टाइम 11 देशों ने इसमें भाग लिया था। 489 प्लेयर्स थे इसमें, खिलाड़ी थे, और स्पोर्ट थे 6, और इवेंट हुए थे 57। ठीक, एनर्जी ऑफ एशिया इस बार का थीम था इसका। और 19 पे जो होना है, ये होना है 2022 में होनजो चाइना में, और 20 पे होना है जो 2026 में नगोया जापान में। ठीक है, अब देखते हैं 2018 के। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक हुए हैं ये, हुए हैं जकार्ता में और पोलमबंग में। ठीक है, 1962 में भी हुए थे जकार्ता में, आपको मालूम होना चाहिए। इंडोनेशिया में फर्स्ट टाइम हुए, पलंबंग साउथ सुमात्रा में। पहले होना था ये हनोई वियतनाम में भी होने थे, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ हुए हैं। आपको बता दें फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हैं जो 2 शहरों में हुए हैं। इसमें देखते हैं ओपनियन जो सेरेमनी हुई है, जोको विडोडो ने किया था, यहाँ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और क्लोजिंग जो है ये हुई गेलोरा बंग कार्नो मैन स्टेडियम में, इसका अंत हुआ इन खेलों का। इस बार का लोगो और मॉस्कोट है भिन्न भिन्न, काका अटोंग। ये भिन्न भिन्न है जो ये करता है स्ट्रेटेजी को दर्शाता है, और काका है जो स्पीड को, और एटोंग है ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है। टॉर्च रिले हुआ जो मतलब टॉर्च चल हुआ था, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, और ये पहुंचा है इंडोनेशिया में 17 अगस्त को। आपको पता है कि 77वां इंडिपेंडेंस डे था इंडोनेशिया का, जब ये 17 अगस्त को पहुंचा। इस बार 18वें एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम कुछ गेम्स शामिल किए गए, ई स्पोर्ट और कैनोइंग पोलो, काया पोलो भी बोला जाता है, लेकिन इसमें कोई गोल्ड मेडल ना कोई मेडल नहीं दिया गया। डेमोंस्ट्रेशन गेम्स के रूप में इन्हें शामिल किया गया इस बार। 45 देश शामिल हुए थे और प्लेयर्स थे 11,720, और इवेंट हुए हैं जो 462, 40 स्पोर्ट हुए। ठीक, टॉर्च लाइट रहे इसमें सुशांति इंडोनेशिया की है, और इस बार का मोटो था जो एनर्जी ऑफ एशिया था। अब देख लेते हैं मेडल टेबल, देख लेते हैं इस बार की किसने कितने मेडल जीते। इस बार टोटल मेडल जीते हैं 1552, जिसमें से 465 गोल्ड है, 465 सिल्वर, और 622 ब्रॉन्ज। ठीक, 18वीं एशियन गेम्स में रहा चाइना फर्स्ट नंबर पर रहा, 289 जीते हैं इसने, 132 गोल्ड और 92 सिल्वर, 65 ब्रॉन्ज। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा जापान रहा है, 205 इसने जीते, 75 गोल्ड जीते, 56 इसने सिल्वर जीते और 74 ब्रॉन्ज जीते। तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया रहा है, इसने 170 टोटल मेडल जीते, जिसमें से 49 गोल्ड, 58 सिल्वर और 70 ब्रॉन्ज। चौथे नंबर पर आया इंडोनेशिया, इसने 98 जीते, 31 गोल्ड, 24 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज। पांचवें नंबर पर आया उर्वेकिस्तान, इसने 70 मेडल जीते, 21 गोल्ड, 24 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज। अब इंडिया की बात कर लेते हैं हम, तो ये इंडिया रहा है हमारा 8वें नंबर पर, इसने 69 गोल्ड 69 मेडल जीते हैं, जिनमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज। इंडिया की बात करें तो यहाँ फ्लैग बियर रही हैं नीरज चोपड़ा, और क्लोजिंग में रहे हैं सेरेमनी में रही हैं रानी रामपाल, ये ओपनिंग में थे, ये रानी रामपाल क्लोजिंग में रही। 572 खिलाड़ी गए हुए थे इस बार, 36 स्पोर्ट में भाग लिया था। इससे पहले भी देख लेते हैं कि 1951 में भारत ने 51
मेडल जीते थे कुल, दूसरे नंबर पे रहा था, और इसमें 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर, 20 ब्रांज। 1982 में हुए जो, इसमें 5वें नंबर पे था, 57 मेडल जीते थे, 13 गोल्ड, 19 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज। और जो 6वें हुए थे, 2010 में हुए जो, इसमें 6 नंबर पे रहा था, 6वें नंबर, 65 मेडल जीते थे, 14 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज। और 2014 में हुए जो, इसमें भी 8वें नंबर पे रहा था, 57 मेडल जीते थे, 11 गोल्ड, 10 ब्रॉन्ज, 10 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज। इस बार के गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी देख लेते हैं, ठीक है, इंडिया के। पहले बजरंग पुनिया, इन्होंने जीता है ब्रेस्ट लिंग 65 kg में, हरियाणा के हैं। दूसरे हैं हमारे विनेश फोगाट, ये भी हरियाणा के हैं, इन्होंने भी ब्रेस्ट लिंग में 50 kg में जीता है। तीसरे हैं हमारे सौरभ चौधरी, इन्होंने शूटिंग में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, इनकी एज है यूपी के हैं, जिससे इनकी एज है 16 साल, सबसे कम एज वाले ये गोल्ड मेडल रहे हैं। अगली है हमारी राही सरनोबत, इन्हें शूटिंग में जीता है, ये महाराष्ट्र की हैं। 5वें हमारे स्वर्ण सिंह, दत्तू भोकानाल, ओम प्रकाश, सुखमीत सिंह, इन्होंने रोविंग में जीता है। रोहन बोपन्ना, देवीज शरण, ये बेंगलोर की हैं और ये दिल्ली की हैं देवीज, इन्होंने लॉन टेनिस में जीता है, टेनिस। सातवां हमारा ताजेंद्र पाल सिंह टूर, ये पंजाब के हैं, सूट पुट में जीता है इन्होंने। 8वां गोल्ड जो जीता है नीरज चोपड़ा ने, ये जेवलिन के हैं, थ्रो में, इन्होंने 1982 में जीता था किसी खिलाड़ी ने, उसके बाद जेवलिन में पहली दूसरी बार नीरज चोपड़ा ने भी जीता है। 9वां अरपिंदे सिंह, ये पंजाब के हैं, ट्रिपल जंप में इन्होंने जीता है। 10वें हमारे मनजीत सिंह, ये हरियाणा के हैं, इन्होंने 800 मीटर में जीता है। 11वें है स्वपन्ना बर्मन, ये वेस्ट बंगाल की हैं, हेप्टा थलोन में जीता है इन्होंने, ठीक। 12वां है जो डेंसन जॉनसन है जी, 1500 मीटर में जीता है इन्होंने, केरला के हैं। 13वां है हेमादास एम आर पोबम्मा, सरिता बहन गायकवाड़, बी के बिस्माया, इसमें वोमेन्स 4x400 रिले में जीता है इन्होंने। अगला 14वां है हमारा अमित पंगल, ये हरियाणा के बॉक्सिंग में जीता है, लाइट फ्लेवेट में। 15वां है जो हमारा प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार, इन्होंने ब्रिज में जीता है मेंस फेयर। चलिए, तो हमारे हमने इस लेक्चर में 18वीं एशियन गेम्स देख ली थी।